हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इस क्लास का, इस चैनल का बेनिफिट पहुंच सके। सो गाइस, आज का ये टॉपिक है हमारा SBI PO प्रीलिम्स 2020 पे कैसे तैयारी करें, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप एग्जाम इजीली क्रैक कर सको। क्योंकि हमारे जो हार्ड स्टडी का टाइम था वो अभी जा चुका है, अभी जो आपको करना है वो है स्मार्ट स्टडी। गाइज, स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है कि हम लोग वो टॉपिक पढ़े जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमें एग्जाम क्रैक करना है, सिर्फ हमें एग्जाम सिर्फ क्रैक करने से मतलब है। प्री आपको सिर्फ ये करेगा कि आपको दूसरे स्टेज में लेकर के जाएगा, मेन एग्जाम देने के लिए आप क्वालिफाई करोगे। प्री एग्जाम में आपको टॉपर आने पे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ अगर पास भी कर जाओगे तो काफी है। तो उसके लिए स्मार्ट स्टडी करनी है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट मुझसे यही पूछ रहे हैं कि मैम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़ना है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस टॉपिक पे फोकस करें, रीजनिंग में क्या पढ़ने। तो गाइज, ये क्लास, ये टॉपिक, ये डिस्कशन आप ही के लिए है कि क्या करोगे, कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है। फर्स्ट एग्जाम जो होने वाला है वो होने वाला है 31 दिसंबर। इसके बाद जो एग्जाम होगा वो होगा 2nd, 4th and 5th January 2021, जो प्री के एग्जाम के डेट आपको बताए गए हैं, प्री एग्जाम। ओके, एंड इसके बाद जो आपका मेन एग्जाम होने वाला है उसका टेंटेटिव डेट जो बताया गया है SBI के तरफ से, वो बताया गया है 29th January 2021। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास प्री के बाद एक महीना का भी टाइम नहीं बचा है जहां पे आप प्री मेन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सको। तो अभी के साथ आपको प्री के साथ साथ ही मेन एग्जाम की भी प्रिपरेशन साथ में करनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल कि अगर आप CA जो टॉपिक है जो आपको प्री में नहीं पूछेगा, मैथ आपको पूछेगा, आप अभी भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग आप अभी भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश आप अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि CA आपके सिर्फ, GA आपको सिर्फ मेन एग्जाम में पूछेगा, और अगर आप प्री खत्म होने के बाद अगर इस टॉपिक पे, इस सेक्शन पे फोकस करोगे तो गाइज इट बहुत ही ज्यादा आप लोगों को टफ होने वाला है। क्योंकि एक महीने में आपको प्रीवियस 6 to 7 months के करंट अफेयर पढ़ना इज क्वाइट डिफिकल्ट गाइज। सो अभी से ही स्टार्ट कर दो। हर रोज करंट अफेयर भी आप कर सकते हैं, आप उसके लिए मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अगर आप स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं तो स्पेशल क्लासेस मेरी CA के लिए हर रोज अनअकैडमी पर होती है सुबह 11 बजे, और अगर आप प्लस पर हैं तो प्लस पर हर रोज मेरी 8 बजे शाम में क्लास होती है। अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं गाइज। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन कैसा पढ़े, क्या पढ़े, ये आपको वही बताएगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, क्या पैटर्न रहा है एग्जाम का। तो यहाँ पे मैं आपको दो ईयर का बात बताती हूँ, 2018, 2019, और इसी के बेसिस पे हम लोग 2020 क्या पढ़ना है हमें वो हम लोग देखेंगे। सो 2018 में अगर मैं आपसे रीजनिंग का ही सिर्फ अगर बात करूं तो 2018 में जो आपके रीजनिंग में जो गुड अटेम्प्ट माने गए थे वो आपका ऑलमोस्ट था 14 to 18 marks तक, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल था तो 14 to 18 गुड अटेम्प्ट माना गया था 2018 का बता रही हूँ। प्रीवियस ईयर 2019 में 25 to 30 गुड अटेम्प्ट माना गया था। सो इसी के आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगर कंक्लूड करें 2020 के लिए, तो आप 2020 के लिए ऑलमोस्ट 22 to 25 आप इजिली सिक्योर कर सकते हैं अगर पेपर इजी हुआ तो, सॉरी अगर मॉडरेट हुआ तो, और अगर पेपर और भी ज्यादा इजी होगा तो इस 25 को आप लोग 30 भी कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नाउ ओवरऑल जो गुड अटेम्प्ट था एग्जाम पास करने के लिए 2018 में ओवरऑल का आपको दिया गया था लाइक 55 to 64, 2019 में ये थोड़ा बढ़ गया था, ये हो गया था 59 to 64। सो इस साल भी सेम चीज ही हम लोग अप्लाई करेंगे, इस साल भी आपको 64-65 तक लेकर के आना ही पड़ेगा ओवरऑल परसेंटेज इन ऑर्डर टू बी सेफ। अगर आप सेफ होना चाहते हैं तो आपको ओवरऑल 64 to 65 marks चाहिए ही होंगे SBI PO के लिए। नाउ अगर मैं क्वेश्चन पेपर का बात करूं, क्वेश्चन कैसा था प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल था आपका मॉडरेट, मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस साल भी SBI PO प्रीलिम्स आपका मॉडरेट होगा फॉर श्योर, इसकी इसकी गारंटी है।
नाउ अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कितने देर पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि आपको बेसिक्स कितना क्लियर है टॉपिक्स का। इसलिए मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर रहेगी आप इजिली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपके घर की नींव ही मजबूत नहीं है तो फिर अर्थक्वेक आते ही आपका घर गिर जाएगा। सेम चीज यहाँ पर है, जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं होने वाला आपका, ट्रस्ट में, जब तक आप अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ाई करोगे। नाउ अगर मैं प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखूं, क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे गए थे, तो ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों को पजल तो पढ़ने ही है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, नो डाउट गाइज ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग अभी की जो अभी हमारे एग्जाम्स हुए हैं आरआरबी के या फिर आईबीपीएस के, अगर आप वहां पर देखोगे तो इन दोनों टॉपिक को ही मिला करके सिर्फ 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एसबीआई पीओ तो और इससे ज्यादा ऊपर का लेवल है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर तो आप आराम से इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके 4 पजल्स तो आपके आराम से पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको आने ही आने हैं, या बिल्कुल अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए। नाउ पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा और क्या क्या पढ़ सकते हैं, दो उसके अलावा जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होती है कोडिंग डिकोडिंग एसबीआई के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग के बाद जो आप कंप्लीट करोगे वो आपका होगा सिलॉक्स, सिलॉक्स के बाद जो आप कंप्लीट करोगे वो आपका होगा ब्लड रिलेशन। नाउ अभी आप बोलोगे मैम इनसे एक या दो मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं तो करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। एग्जाम किसी किसी का 0.5 मार्क्स से रह जाता है, आप तो फिर भी यहाँ पे एक नंबर की बात कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। नाउ इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जो कि आपने अभी बहुत सारे एग्जाम जो भी हुए हैं सभी में देखा है वो है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज। नाउ अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक बहुत इजी है लेकिन इसके क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कुछ करना होता है कुछ और करके आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, किसी किसी क्वेश्चन में आपको पढ़ने पे भी समझ नहीं आता कि मैम आखिर बहुत बार पढ़ा लेकिन क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या था क्वेश्चन में, क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है वो क्वेश्चन को, दैट्स वाई। तो गाइज अल्फाबेटिकल सीरीज पे एंड डिरेक्शन, डिरेक्शन का भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे। सो डिरेक्शन सेंस और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो हमेशा पूछा जाता है एसबीआई में वो होता है आपका डेटा सफिशियंसी। ये आपके प्री एंड साथ ही मेन एग्जाम में तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, प्री में भी डीएस से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पे आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें, अभी आपके पास टाइम है। हमारा जो एग्जाम है वो 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी भी अगर आप कोशिश करेंगे हर रोज एक एक टॉपिक करना स्टार्ट करो, खुद से क्लियर करो, मेरी सेशंस देखो, मैं सेशंस जो ले रही हूँ अनअकैडमी पे हर एक टॉपिक को कवर करा रही हूँ गाइस, वहां पे वो टॉपिक कवर करो, साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ, प्रैक्टिस करो क्लास में, लाइव क्लास में आकर के प्रैक्टिस करो, जहां पे क्या होता है जो डाउट होंगे आपके वो लाइव मैं सॉल्व कर पाऊंगी, रिकॉर्डिंग में वो आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सो 31 दिसंबर के पहले इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से बेस पूरे क्लियर कर लो, साथ ही इसमें इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि आपके छूटने क्वेश्चन कोई छूटने के ही चांसेस ना बचे। नाउ अभी मैं आ जाती हूँ पजल्स पे और सिटिंग अरेंजमेंट पे। नाउ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए मुझे आप लोगों को कुछ एक टिप देनी है जो कि मैं क्लास में हमेशा देती हूँ, बट अभी जो दूसरे स्टूडेंट जो क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं गाइज वो आप लोग सुनो कि कैसे आपको पजल कंप्लीट करने हैं, कैसे आप पजल्स में 100% आप ये श्योर हो जाओगे कि मैम मेरी स्पीड थी अच्छी एंड जितना क्वेश्चन मैंने बनाया है पजल्स का मुझे पता है कि वो सही बना होगा। कैसे बनेगा ये, कब आएगा कॉन्फिडेंस आप में, ये कब तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे गाइज। सो हर रोज आज आपका 15th दिसंबर है, सो ऑलमोस्ट आपके पास 15 डेज है, 15 डेज बची हैं आपके पास में। सो आप आज से ही अपने शेड्यूल में ये चीज शामिल कर लीजिए कि आप हर रोज 3:2 का रेशियो में आप पजल सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट इज 3:2 रेशियो, 3 का मतलब है प्री के पजल बनाएंगे अभी आप 3 एंड 2 आप मेंस के पजल सॉल्व करने वाले हैं। अभी के लिए आपका टारगेट ये है 15 दिनों में आप 3:2 का रेशियो फॉलो करो। इससे क्या होगा कि आपकी प्री एग्जाम की तैयारी तो आप हर रोज कर रहे हैं, 3 पजल सॉल्व करना वो भी
टाइम लिमिट में अपने साथ में क्लॉक रखना और उस क्लॉक पे देख करके आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आज आपको किसी एक प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 मिनट लग रहे हैं तो कल उस टारगेट को थोड़ा कम करो, 4 मिनट 30 सेकंड करो। नेक्स्ट डे उसे 4 करो, नाउ 4:30 पे आओ। जैसे जैसे आप कम करते जाओगे टाइम, आप देखोगे कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करती जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। पजल आप रट नहीं सकते हो, आप याद नहीं कर सकते हो। नाउ जैसे ही आपके मेन प्री एग्जाम खत्म हो जाएंगे 31 दिसंबर को, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप ये जो रेशियो है हमारा, इस रेशियो को हम लोग उल्टा कर देंगे। 2:3 के रेशियो में हम लोग आ जाएंगे। इसका मतलब है हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे हर रोज प्री वाले एंड 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग मेंस वाले। अभी बोलोगे मैम कि प्री वाला क्वेश्चन क्यों करो? प्री वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, आपकी स्पीड इंक्रीज हो, इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट है। और साथ ही 3-3 पजल आप अगर रोज हर रोज मेंस का कर रहे हैं तो ये आपके लिए सफिशियंट है। एक दिन में इससे ज्यादा क्वेश्चन मत सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा तो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो आपको बोलेगा कि एक और कर लेता हूं। बट नहीं, करना नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे एक ही दिन में, आपको 100 क्वेश्चन करने का कोई जरूरत नहीं है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट? तो धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, लेकिन हर रोज करो। ऐसा नहीं कि आज 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कल आज मैं छुट्टी कर लेता हूं, कल तो 10 क्वेश्चन कर लिया था, अभी 2 दिन छुट्टी। नहीं, हर रोज करो, 2 मिनट का करो, 3 प्री का करो, लेकिन कंटिन्यूअस रहो। कंटिन्यूअस अगर रहोगे तो वही आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाएगा। एक्सक्यूज मी। तो बस ये था आज के लिए आपका टिप्स। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, अनअकैडमी पर मैसेज कर सकते हो। गाइज, ये सारे टॉपिक अच्छे से देख लीजिए, इसे कवर करें। साथ ही अगर आप मेरे रीजनिंग के क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो फ्री क्लासेस की टाइम है मेरी शाम में है, फ्री क्लास होती है 6 PM। और अगर आप प्लस पर हैं तो प्लस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 4 बजे 4 PM। और अगर आप करंट अफेयर करना चाहते हैं तो फ्री की क्लासेस होती है मेरी करंट अफेयर अनअकैडमी पे सुबह 11 बजे, और प्लस वाली क्लास होती है शाम 8 बजे। सो थैंक यू सो मच गाइज, अभी के लिए इतना ही था आप लोगों के लिए। इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहें, एंड कोई भी डाउट अगर आप लोगों को हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।